हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम चैप्टर नंबर 1 के जो इन बिटवीन क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पेज नंबर 6 पे हमारे पास क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? सो मैग्नीशियम रिबन को हमें क्यों क्लीन करने की जरूरत है, एयर में बर्न करने की? क्योंकि मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। चलो पढ़ लेते हैं। Magnesium is very reactive metal. When it exposed to air, it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. तो ये जो magnesium है वो बहुत ही ज्यादा reactive metal है, and जब वो air के contact में आता है, air के contact में आता है मतलब oxygen के contact में आता है, तो magnesium oxygen के साथ react करके magnesium oxide की एक layer बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है? This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अब ये जो लेयर है ये फर्दर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के लिए एक बैरियर बन गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क कर रहा है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज फॉर द रिएक्शन। अब अगर मान लो आपको उसको फर्दर किसी से रिएक्शन कराना है तो उसको पहले सैंड पेपर से रिमूव करते हैं ताकि ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हट सके और हमें मैग्नीशियम मिल सके। बिकॉज अगर आप फर्दर उसका रिएक्शन करा रहे हो तो आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है, ना कि MgO लेयर आपको बीच में नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसलिए सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें बैलेंस इक्वेशन बनानी है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबल्स में लिखोगे तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको हर उसका मेटल है, आयन है, जो भी चीज है उसका आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्मूला बना सको। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, बैक साइजेस में आएंगे, हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाते हुए चलेंगे ताकि अगर नाइन्थ में आपने नहीं भी किया तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी? तो आप उसके लिए एक ये टेबल था नाइन्थ की बुक में, यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा, आप बुक में आपके नाइन्थ की बुक में देख सकते हो या नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसमें आपको वैलेंसी भी मिल जाएगी, सिंबल्स भी मिल जाएंगे, सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? ये टेबल पता होना चाहिए तभी हम फॉर्मूलाज भी बना पाएंगे। चलो जी, अब हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये सिंपल है। हाइड्रोजन इज H2+, क्लोराइड इज Cl2, ठीक है जी? इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमें मिला हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। सिंपल बनाने के लिए हम कर देते हैं क्रॉस वैलेंसी, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे हुआ क्या, एच के साथ भी 1 आ गया, सीएल की 1 है, सीएल के साथ भी 1 आ गया क्योंकि एच की भी 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं, तो ये सिंपल एच सी एल आ गया हमारे पास, ये हो गया एच सी एल। तो यहाँ पे अभी ये तो हमने लिखा है इसको इक्वेशन फॉर्म में, अब हमें करना है इसको बैलेंस। तो देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इधर क्लोरीन के 2 आइटम्स है, इधर हाइड्रोजन का भी एक है क्लोरीन का भी एक है, तो कैसे चेंज करेंगे? यार यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, इधर 2 लगा दो, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर सीएल के 2 है, सीएल के भी 2 हो गए, ठीक है जी? तो ये हमें मिल गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अच्छा सॉरी, सो सेकेंड पार्ट सेज बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एंड हमें मिला है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। सब में यहाँ फॉर्मूलाज चाहिए हमें। देखो बेरियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, ये रहा बेरियम, इसकी वैलेंसी है 2, क्लोराइड की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो जी यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो Ba के साथ आ जाएगा 1, Cl के साथ आ जाएगा 2। अब 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है तो हम सीधा लिख सकते हैं BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 8 याद है ना, 9th क्लास में अगर आप इनसे पढ़े होगे तो सल्फ 8 आता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है SO4 वाला, ठीक है जी? तो अब चलो वापस चलते हैं, क्या था एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की है 2, क्रॉस होगा सो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और SO4 के साथ 3 आएगा, किस तरीके से, ऐसे, ठीक है? तो यहां लिख देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है? थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं क्योंकि इसको बैलेंस भी करना है। सो Al2 SO4
एंड यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, सो अब इसका रिएक्शन कराया एंड हमें मिला बेरियम सल्फेट। अब ये और ये देखने, बेरियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी 2 है। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर दोनों की 2 है, जैसे ये क्या है Ba2SO4 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज डायरेक्ट लिखेंगे BaSO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस क्या आया साथ में, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम ये रहा, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ तो 1 आ गया, लेकिन क्लोरीन के साथ 3 आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, पता है ना, क्रॉस होती है वैलेंसीज। चलो ये अब हमारे पास आ गया, ये सारा एक्स्ट्रा रब कर देते हैं हम। हाँ जी, तो ये आ गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस, तो देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे है बी ए, एक है, इधर बी ए एक है, दोनों साइड पे एक है, क्लियर है। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। अब ये 3 है, ये 2 है, कैसे बैलेंस करते हैं, हमने देखा था ये 2 और 3 होते तो सिंपल, 2 के आगे लगा दिया, यहाँ पे 3, 3 टू जा 6 हो गया, यहाँ पे लगा दिया 2, तो अगेन 2 3 जा 6 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो ये बेरियम भी 3 हो गया, जबकि यहाँ पे बेरियम एक ही है, तो इसको 3 करने के लिए आगे 3 लगा दिया। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, तीसरी पे चलते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम है 2, तो इधर देखो इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, परफेक्ट। यहाँ SO4 है 3, यहाँ पे भी SO4 3 है, क्योंकि अभी आगे 3 लगाया, तो दैट मींस अब हमारे पास आ गई एक बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, सोडियम प्लस वॉटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम क्या होता है, Na प्लस वॉटर इज H2O, इट गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस कर देंगे, 1 1 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है। तो अभी ये हमें क्या मिला है, दिस इज द इक्वेशन। अब इसको करना है बैलेंस, तो चलो जी बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे भी Na एक है, ठीक है, यहाँ पे H2 है, इधर भी H, अच्छा इधर H कितना है, देखो यहाँ पे एक H है प्लस इधर एक H है, तो यहाँ पे है H3 और यहाँ पे H है हमारे पास 2। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, वैसे क्या होता है अगर एक जगह 2 है एक जगह 3 है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 2 2 3 2, लेकिन यहाँ पे ये दो पार्ट में, एक H इधर है और 2H इधर है, तो यहाँ पे 3H है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज कर सकते हैं हम, देखो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इधर हो गए 2 + 2 4 हो गए। अब इधर 4 बनाना तो बहुत इजी है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 2 4 हो जाएगा। समझ में आया, जब ऐसा वाला केस होगा, बड़े सारे ऐसे अभी आएंगे जिसमें ये होगा, इसका ही रब हो गया। ठीक है जी, ये 2 था। हाँ चलो, कमिंग बैक, यहाँ भी करा क्या है, जब भी ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे था 1 + 2 = 3 थे और इधर 2 था, तो हमने यहाँ पे ये जो 1 था इसको 2 बना दिया, तो ये हो गया 2 + 2 4 एंड यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 के साथ। आई नो अगर आप अभी ये पहले अभी शुरू किया है तो बैलेंसिंग लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट सा है, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे इजी हो जाएगा, इस चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज में भी है ना, अगर वो सारे भी आपने थोरोली 3-4 बार कर लिए ना बिना मिस्टेक के, तो आपकी बैलेंसिंग अच्छे से हो जाएगी प्रिपेयर। ठीक है जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो बैक टू दिस, Na, अच्छा आप Na भी देखो कि यहाँ 2 लगा है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे भी Na को 2 करना पड़ेगा, तो इधर भी ये 2 लगाना पड़ेगा। चलो Na 2 हो गया, H इधर 4 है, इधर भी 4 हो गया, O यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब इक्वेशन हो गई बैलेंस, क्योंकि दोनों जगह एटम्स इक्वल हो गए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब हमें एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ में स्टेट सिंबल क्या होता है, स्टेट सिंबल मतलब जो सॉलिड फॉर्म में है उसके आगे S, जो लिक्विड फॉर्म में है उसके आगे AQ, जो गैस फॉर्म में है उसके ब्रैकेट में G। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस मतलब एक्वा फॉर्म में। ठीक है जी,
तो बेरी और सही ठीक है जी, नहीं बोलना, बहुत बच्चे बोलते हैं मैम क्यों बार बार बोलते हो, सो वी विल अवॉइड दिस। नाउ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आज का फॉर्मूला बना लेते हैं। बेरियम का वैलेंसी है 2, क्लोरीन की है 1, क्रॉस हो जाएगी बेरियम के साथ तो 1 आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन के साथ आ जाएगा 2, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। ऑल्सो मेंशन करेंगे AQ प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम Na की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस हो जाएगा, Na के साथ आ गया 2, SO4 के साथ कुछ भी नहीं है तो बस इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, आगे है, अच्छा इसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि ये एक्वा है क्योंकि स्टेट लिखनी है। इट गिव्स आउट, दोनों का किया, अच्छा एक फिर से पढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन सल्फेट इन वॉटर टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है इनसॉल्यूबल, मतलब ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट की तरह बच गया होगा, तो एक तो लगेगा कि ये सॉलिड में बच गया और एक लगेगा एक एरो दिखाने के लिए कि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बच गया। ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो हमारा सोडियम है तो सॉल्यूशन है तो वो AQ हो गया। ठीक है जी, अब देखो बेरियम सल्फेट पे आ जाओ, बेरियम ये रहा, सल्फेट ये रहा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल लिख देंगे BaSO4, लेकिन ब्रैकेट में S और ये R। ठीक है जी, प्लस और क्या बचा हमारे पास, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम कहाँ है, सोडियम ये रहा Na, क्लोराइड ये रहा, दोनों की 1 वैलेंसी है, तो सोडियम NaCl हो गया। ठीक है जी, तो यहां तक तो अच्छा, इसको चलो तो जितना एक्स्ट्रा ना रब कर लेते हैं। सो यहां तक तो अभी हमने जो समझा ये थी हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें जो चाहिए दैट इज बैलेंसिंग, सो हमें पहले इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास Ba, इधर 1 है उधर 1 है, परफेक्ट। यहाँ पे Cl 2 है उधर Cl सिर्फ 1 है, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो उधर भी Cl2 हो गया, इधर भी Cl2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे Na2 है, इधर भी Na2 है, ग्रेट। यहाँ SO4 खाली है, इधर भी SO4 खाली है, मतलब सिर्फ वो 2 लगाना था और इक्वेशन हो गई बैलेंस। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट पे देखो ताकि कंफ्यूजन जितनी भी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बट ऑल्सो अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई यार, ये जो हमारा था NaCl AQ लिख देना, सॉल्यूशन है ना ये तो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो देखो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड इज OH, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो सिंपल NaOH। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो AQ, इन वॉटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl। ठीक है ना, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां से बनाना चाहो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो H और Cl दोनों की 1 है तो वो हट जाता है, तो HCl बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1, सो सिंपल क्या दिया इसने, अच्छा बिफोर दिस ये रह जाएगा, वरना Cl हमारा एक्वा फॉर्म में है, तो इट गिव्स आउट कहां पे थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक है, अगेन एक्वा फॉर्म में। आगे है एंड वाटर, सो प्लस H2, अब H2 तो सबको ही पता है भाई, पानी तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। ठीक है ना, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन, अब हमें करना है इसको बैलेंस। तो जी बैलेंसिंग कर लेते हैं, Na यहाँ पे 1 है, उधर भी 1 है, OH यहाँ पे, सॉरी O यहाँ पे 1 है, इधर भी O 1 है, यहाँ पे H हमारे पास है 1 और एक इधर है, मतलब 2 है, इधर भी 2 है, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। सो ये पेज नंबर 6 के हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।